हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू मिलेट की ही रेसिपी लेके आई हूँ, जो है बच्चों के लिए। जो बाहर बच्चे चोकोस खाते हैं, तो वही चीज़ चोकोस जो है वो मैं मिलेट से, ये लिटिल मिलेट है मेरे पास 1 कप, इससे मैं बनाऊँगी। और बहुत इजी रेसिपी है ये। पीनट बटर है, ये मैंने घर पे नहीं बनाया, ऑर्गेनिक स्टोर से लिया था। और ये मेरे पास 1/2 कप है गुड़ की शक्कर, 1/2 कप मेरे पास है कोकोआ पाउडर, और ये 1/2 कप मेरे पास है मिल्क। कोई भी प्लांट बेस्ड आप मिल्क ले सकते हैं, मैंने कोकोनट मिल्क लिया है। और तो चलिए अपनी रेसिपी को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप मिलेट है, लिटिल मिलेट, ये मेरे पास गुड़ की शक्कर है, मिठास आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ये मेरे पास है कोकोआ पाउडर, और ये मेरे पास है पीनट बटर। पीनट बटर मैंने 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो टेक्सचर है उसमें बटर की और ज़रूरत है, तो आप 1/2 टेबल स्पून है आप वो भी इसमें कर सकते हैं। और ये बीच में हम डाल देंगे अपना कोकोनट मिल्क। अब इसको हम कर देंगे मिक्स, अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इसको। गूई मिक्सचर ये बनना चाहिए। ये देखिए, जिससे हमारे बॉल्स बन जाएं। मैं इसमें थोड़े से फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे ये भी मेरा ट्रायल ही है, जैसे मैंने बर्गर ट्रायल किया था, ये भी मेरा ट्रायल ही है। तो होप सो इसमें भी मुझे थोड़ी सक्सेस मिले, ट्राई कर रही हूँ। जैसे बाहर पता नहीं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से बनाते हैं, तो हम क्यों ना अपने बच्चों को हेल्दी दें, हेल्दी वे में दें। हमने इसका अच्छे से इस तरह से गूई मिक्सचर बना लेना है, लाइक दिस। और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, छोटी छोटी बॉल्स बना सकते हैं, या जैसे थोड़ा सा बोट की शेप में होते हैं चोकोस, वैसे बना सकते हैं, स्क्वायर की शेप में जैसे बना सकते हैं, जैसे भी आप शेप बनाएं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप बना सकते हैं। तो ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इस पर मैंने बटर पेपर ले लिया है, और ये पानी है हाथ गीला करने के लिए, क्योंकि तो थोड़ा सा वैसा है मिक्सचर, इसलिए मैं ऑयल नहीं है, इसकी छोटी छोटी मैं बॉल्स बना लूँगी, बहुत ही छोटी छोटी इस तरह से। आप चाहे तो इसको इस तरह से दबा के भी आप कर सकते हैं। बिग है, बॉल्स बना लेते हैं इसकी। ऐसे ही हम छोटी छोटी बॉल्स हम बना लेंगे इस तरह से। आपने इससे भी छोटा साइज लेना है, आप इससे भी छोटा साइज बना सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ये देखिए, मेरे छोटे छोटे चोकोस की मैंने शेप बना ली है। तो अब इसको मैं 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए इसको करूँगी बेक। तो मेरा जो है वो प्री हीट हो रहा है ओवन। ये देखिए, मैंने एक प्लेट पे ऐसे जो मेरे पास पड़ा था उसको मैंने थोड़ा सा पतला ऐसे हाथ की मदद से फैला लिया है। इसमें जो बटर है उसकी चिकनाहट भी मेरे हाथ में कैसे आ गई है। तो हम इसको अच्छे से ऐसे पतला पतला फैला लेंगे, इसको भी हम एक शेप देंगे। ये देखिए, जो मेरे माइक्रोवेव में पड़े थे ना चोकोस, ये देखिए कैसे बेक हो गए हैं,
पर कैसी आवाज़ आ रही है, जैसे चौकोस होते हैं वैसी ही आवाज़ आ रही है। तो ये अभी बहुत गर्म है, इसको हम ठंडा होने देंगे। बाकी ये मैंने कुछ स्क्वायर शेप में बना लिए हैं, कुछ ऐसे शेप में बना लिए हैं, तो इनको भी हम बेक कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे राउंड शेप में चोकोस रेडी हैं, ये बिल्कुल हार्ड है, ये देखिए। तो ये देखिए मेरे पास ये राउंड शेप में भी हैं मिलेट्स के जो चोकोस हैं, ये देखिए बहुत ही हार्ड है, आपको पता लग ही रहा होगा आवाज़ से। और ये देखिए ये मैंने दूसरी शेप में बनाए, कितना क्रिस्पी बन गया है, ये देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं। और ये जो मेरे हैं ये मैंने स्क्वायर शेप में बना दिए हैं, ये भी अभी गर्म है, अभी इतनी क्रिस्पी नहीं, ठंडे होके ये भी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कि आप इनको एयर टाइट एक जो भी शीशे का मर्दबान होता है आप उसमें इसको एयर टाइट जार में रख सकते हैं 10 to 15 days के लिए। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।